सैमसंग गैलेक्सी J सीरीज के दो नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी J6 एंड सैमसंग गैलेक्सी J4 जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं, काफ़ी ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं। लॉन्च से पहले इनके स्पेसिफिकेशंस जो है लीक होके आ चुके हैं चाइना के अथॉरिटी वेबसाइट से। तो आज इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि क्या इन दोनों में से कोई भी एक डिवाइस में आप लोगों को सैमसंग का इन्फिनिटी डिस्प्ले जो कि 18:5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्या कुछ इंटरेस्टिंग होगा इन दोनों J सीरीज के साथ। वीडियो आखिर तक देखते रहिए, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगे तो यार लाइक कर दीजिएगा क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ेगा तभी मैं आप लोगों तक ऐसे ही इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले के बारे में। तो जैसे कि पहले ही बताया मैंने कि इन दोनों में से कोई भी एक डिवाइस में आप लोग को 18:5:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले मिल सकता है, यानी कि सैमसंग का इन्फिनिटी डिस्प्ले जो कि इनका फ्लैगशिप लेवल में होता है सैमसंग गैलेक्सी S9 S9 प्लस में होता है वो आप लोग को इनमें मिल सकता है। तो सैमसंग गैलेक्सी J6 जो आने वाला है इसमें आप लोगों को मिलेगा 5.6 इंचेस का 18:5:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले जो कि इन्फिनिटी डिस्प्ले होगा एंड यहां पे आप लोगों को HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलेगा। यहां पे आप लोगों को मिलने वाला है AMOLED डिस्प्ले जो कि सैमसंग का एक खासियत आप बोल सकते हैं। अगर बात करें J4 की, इसका जो छोटा वेरिएंट है, इसका जो लोअर वेरिएंट है उसकी बात करें तो यहां पे आप लोगों को मिलेगा 5.5 इंचेस का एक 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले HD रेजोल्यूशन के साथ। तो इस J4 में आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। अगर बात करें सॉफ्टवेयर की तो दोनों में ही आप लोगों को एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और उसके ऊपर आप लोगों को सैमसंग का UI मिल जाएगा जो कि एक्सपीरियंस UX आप लोग बोल सकते हैं, वो UI आप लोगों को मिल जाएगा। अगर बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे दोनों में ही एक्सिनोस का प्रोसेसर मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी J6 आएगा दोस्तों एक्सिनोस 7870 प्रोसेसर के साथ एंड सैमसंग गैलेक्सी J4 आएगा दोस्तों 7570 प्रोसेसर के साथ। अगर बात करें रैम इनबिल्ट स्टोरेज की तो 2GB 3GB एंड 4GB रैम वेरियंट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा एंड स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज यहाँ पे 32GB एंड 64GB स्टोरेज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। माइक्रो SD कार्ड आप लगा सकेंगे डेडिकेटेड स्लॉट के थ्रू जो कि सैमसंग का एक खासियत आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को रिमूवेबल बैटरी मिलेगा, बैटरी होगा दोस्तों 3000 mAh की दोनों ही डिवाइसेज में। अगर बात करें दोस्तों कैमरा की तो दोनों में ही आप लोगों को 13 MP का रियर कैमरा देखने को मिलेगा LED फ्लैश के साथ। फ्रंट की अगर बात करें तो यहाँ पे J6 जो आएगा दोस्तों उसमें आप लोगों को मिलेगा 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा एंड जो J4 आएगा दोस्तों उसमें आप लोग मिलेगा 5 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। दोनों में ही आप लोगों को फ्रंट में LED फ्लैश देखने को मिल जाएगा। तो यही है दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशंस जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं लेकिन काफी ही जल्द लॉन्च हो जाएंगे, ये सैमसंग गैलेक्सी J6 एंड सैमसंग गैलेक्सी J4। और प्राइस की बात करें तो प्राइस शायद से 10,000 से 15,000 के आसपास में हो सकता है, मतलब ये जो रेंज है इसके अंदर हो सकता है। अगर ये रेंज के अंदर आया तो क्या आपको लगता है ये जो सैमसंग गैलेक्सी J4 एंड J6 है ये हिट कर पाएंगे? क्या ये शाओमी हुआवे ये सब ब्रांड्स को जो है टक्कर दे पाएंगे? आप अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कौन सा लेना पसंद करेंगे, ये सैमसंग गैलेक्सी जे सीरीज के ये दोनों नए स्मार्टफोन या फिर शाओमी का या फिर हुआवे ऑनर का कोई भी एक डिवाइस आप परचेज करना पसंद करेंगे 10,000 से 15,000 के बीच में? अपने राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी को। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार देख रहे थे तो हो सके सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।